बेस्ट कॉम्बिनेशन देगा सीएस में आप लोगों को रैंक पुश करने के लिए। आप लोगों के लिए कौन सा भी कैरेक्टर अच्छा रहेगा और आप लोगों का कौन सा जो है आप लोगों का गन के लिए ग्रैंड मास्टर पुश कर सकते हो, मास्टर पुश कर सकते हो। हेलो गाइस, हम आ चुके फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा एक अपडेट आ गया है फ्री फायर के अंदर। तो आज मैं बताऊंगा जो आप लोगों का सीएस के अंदर कौन सा जो कैरेक्टर है आप लोगों को बेस्ट कॉम्बिनेशन देगा सीएस में आप लोगों को रैंक पुश करने के लिए, और जो है आप लोगों का कौन सा जो गन है आप लोगों के लिए एकदम अच्छा रहेगा सीएस के अंदर और बीआर के अंदर। आप लोगों के लिए कौन सा भी कैरेक्टर अच्छा रहेगा और आप लोगों का कौन सा जो है आप लोगों का गन के लिए गन जो अच्छे देखने को लिए मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो इसी बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि चैनल पे ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और मैं बताऊँगा कि गेम में कौन सा अपडेट आ चुका है, कौन सा अपडेट आप लोगों को देखने के लिए मिला है और कौन को आगे भी जाके देखने के लिए मिलेगी, और कब तक जो मैंने बताया पहले एक वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड फ्री फायर वापस आएगा, तो इस बार अपडेट में तो नहीं आया, तो लग रहा है सामने वाला जो अपडेट आएगा उस पर आएगा, कन्फर्म हो चुका है। तो इतना कन्फर्म मैं श्योरली बता नहीं सकता, 50% कन्फर्म हो चुका हूँ मैं कि जो सामने वाला अपडेट जो है उस पर आएगा शायद, थिंक। तो देखते हैं क्या होता है, इस बार जो अपडेट नहीं आया तो उसको छोड़ देते हैं। इस बार मैं बताता हूँ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो है आप लोगों का गन कॉम्बिनेशन आप लोगों का कौन सा अच्छा रहेगा जो आप एक दिन में ग्रैंड मास्टर पुश कर सकते हो, मास्टर पुश कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ सीधा मेरे यहाँ पर चलता हूँ, तो देख सकते हो आप लोगों को मैं बताऊँगा जो कैरेक्टर स्किल है आप लोगों को सीएस पे आप लोगों को लॉन्ग रेंज का मैं बता रहा हूँ। तो लॉन्ग रेंज पे आप लोगों का क्या करना है, देखो फार्मास देख सकते हो, तो फार्मास देख सकते हो, मैं फार्मास लिखा था। आप लोगों को बहुत सारे बंदे बोलेंगे फार्मास क्या ही डैमेज देगा, तो आप लोग देखो फार्मास के पहले कितना देता था, 32 या फिर कितना कितना करके देता था। तो अभी देखो फार्मास पे मैं 3 चिप्स लगा लेता हूँ और देखो अभी देखो डैमेज कितना करके दे रहा है। मैं यहाँ पे सीधा गोली करके दिखाता हूँ, 62 मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 62, 61, कभी कभी 80 प्लस भी चला जाता है। तो अगर आप लोगों के पास डबल डैमेज वाला फार्मास है तो आप लोगों का और भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी अगर फार्मास पे आप लोग 3 चिप्स लगा लेते हो तो आप लोगों का 61 प्लस देखने को आप लोगों को मिलेगी, जो आप लोगों का फार्मास एकदम ओपी गन बन चुका है, ओपी गन एकदम बन चुका है इस अपडेट में। तो अभी दूसरा गन का बात कर लेते हैं हम जो है, और जो है लॉन्ग रेंज का और एक बारे में बताता हूँ जो सीएस के लिए। तो लॉन्ग रेंज पर आप सीएस के लिए अभी ले सकते हो, आप लोगों का ले सकते, तो अभी जो आप लोगों का पता है एसकेएस के सिवा आप और एक गन ले सकते हो जो आप लोगों का एमआरएम है, तो इस पर आप लोग ले सकते हो इसका। तो इसकर का डैमेज भी अगर आप 4-3 करके चिप्स लगा लेते हो तो इसकर का डैमेज भी अभी बहुत अच्छा खासा देने लग गया है। इसका से अभी अगर बहुत सारे फायर जो है आप फायर करते हेड तक लगने का संभावना रहता है इसकर से, तो इसकर चले गया हमारा लॉन्ग रेंज का, इसकर चले गया और लॉन्ग रेंज के हम लोगों का फार्मास चले गया। तो अगर ये दोनों को बंद गन से आप लोगों को खेलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का आसानी से बंदे को आप मार पाओगे और एक दिन में 2 दिन में आप मास्टर पोस्ट लगा सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं शॉर्ट रेंज की। तो शॉर्ट रेंज में आप लोगों को पता है, जैसे कि पता है तो हमारा जो है M187 ये जो पहले बहुत अच्छा खासा चलता था, अभी कुछ पहले जो पिछले अपडेट गया है उस अपडेट से उसका जो है मतलब 4 गोले मारने से फिर बंदा मरता है। अभी जो है आप लोगों का इस पर थोड़ी बहुत चेंजेस देखने के लिए मिला है, थोड़ी बहुत चेंजेस में जैसे कि बताता हूँ, इसका जो है रिलोड स्पीड थोड़ा मतलब इंक्रीज कर दिया गया है। तो थोड़ा रेट और स्पीड जो रेट और रिलोड स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है, जिससे गन अभी बहुत अच्छा खासा चलने लगा है। और जो आप लोगों को पता है तो रिलोड स्पीड कितना गेम के लिए गेम गन के लिए कितना परफॉर्मेंस बेटर करता है रिलोड स्पीड, तो देख सकते हो 1 सेकंड में हो रहा है, 1 सेकंड में आप लोगों का रिलोड हो रहा है। तो आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोग अगर रिलोड स्पीड के लिए खेलना चाहते हो तो आप लोग शॉटगन यूज़ कर सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ SMG की। तो SMG और शॉटगन में और एक भी गन आप लोग यूज़ करते हो जिसका नाम है आप लोग M10 भी अभी बहुत अच्छा खासा बना दिया है, क्योंकि चिप्स लगाने के बाद अभी ये एकदम मक्खन जैसा चलता है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को जो है आप जो है SMG में कौन सा गन यूज़ कर सकते हैं। SMG में मैं सीधा बताऊंगा, कोई भी SMG में 2 गन है मेरे ख्याल से, 2 गन है, मैं 2 गन से बता रहा हूँ आप लोगों का। SMG में अगर आप MP5 जो है 3 चिप्स करके लगा लेते हो तो SMG भी बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है आप लोगों का। SMG एकदम मतलब मक्खन जैसा चलता है SMG देखते हो, तो MP5 जो है आप लोगों का एकदम मक्खन जैसे चलता है। MP5 भी एकदम मक्खन जैसे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग 3 चिप्स लगा लेते हो तो देख लो, आप खुद गेम करके देख लो। और जो है मैं सीधा बताता हूँ, और एक दूसरा गन है बताऊँगा मैं SMG की तरफ। तो SMG की तरफ जो है दूसरा गन क्या आप M10 यूज़ कर सकते हो और M187 तो ये यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ जो आप लोगों जो है SMG में कौन सा गन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा ही सुना है SMG के लिए कौन सा गन आप लोगों को बेस्ट रहेगा। तो SMG में
मैं दो गन सिलेक्ट किया हूँ जिसका नाम है, एक का नाम है MP5। तो MP5 का आप अगर देख सकते हो, अगर तीन चिप्स अगर लगा लेते हो तो देख सकते हो एकदम रेड नंबर लगता है। मतलब बीच बीच में कभी भी आप लोग देख सकते हो, कभी भी जो बॉडी शॉट लगता है तो संभव होना रहता है आप लोगों का जो हेडशॉट लगता है, और इसका जो है आप लोगों का डैमेज थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है SMG का, जो MP5 का SMG इसका डैमेज थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। तो पहला गया हमारा SMG में गया MP5। तो अभी दूसरा गन आता है SMG में, तो दूसरा गन जो है आप लोगों को SMG में मैं बताता हूँ, SMG में चलता हूँ या इस पर चलता हूँ, इसमें बताने के बाद आप लोगों जो है ये वाला गन जो दिख रहा है MSC 10A10, ये वाला गन अगर आप यूज़ कर सकते हो तो एकदम मक्खन जैसा चलता है ये गन भी, एकदम आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों का, तो SMG के देख सकते हो, SMG की मैंने बताया है MP5 इससे बेटर चलता है। SMG MP5 में चिप्स लगाने के बाद भी आप लोगों का 424 करके डैमेज देता है, और इस पर चिप्स के सिवाय आप लोगों को 36 करके डैमेज देता है। तो आप लोगों को जो है, तो ये दोनों गन मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप लोगों को मैं बता दिया है CS का, तो CS में आप लोगों जो है, CS में आप लोग लॉन्ग रेंज के लिए आप लोग जो है फार्मास और जो है आप लोगों का SKSB यूज़ कर सकते हो, और जो है आप लोगों का शॉर्ट रेंज के लिए आप लोग जो है MP5 और जो MCA ये वाला आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को जो CS करने के लिए, CS रैंक के लिए आप लोगों का कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए एकदम अच्छा रहेगा, तो इसी बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं मेरे मोबाइल पे, उस पर स्क्रीन पर ले चलता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ सिंपली। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ जो CS पे है, CS पे आपका कौन सा वाला कैरेक्टर आप लोग यूज़ सकते हैं, आप लोगों के लिए एकदम अच्छा रहेगा। तो CS पे जो है पहले आप लोगों को लगा लाना है ये वाला कैरेक्टर जो है आप लोगों का 60 SP एक्स्ट्रा दे देता है, तो 60 SP एक्स्ट्रा दे देता है ये, आप CS के लिए लगा सकते हो। अगर आप लोग जो है AWM चला के आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप जो है स्नाइपर वाला गन यूज़ कर सकते हो, जो टकला बोलते हैं हमारे ख्याल से, तो टकला आप लोग यूज़ कर सकते हो। टकला एकदम मस्त मक्खन जैसा आप लोगों को चलेगा, क्योंकि अपडेट के बाद एकदम OP बना दिया है। तो दूसरा कैरेक्टर जो है आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा जो है आप लोगों का एक्टिव पे अगर आप उकोंग यूज़ करो या फिर क्या कैरेक्टर यूज़ करो, क्योंकि देखो उकोंग पे अगर आप बंदे के सामने जब जले जाओगे तो आप उकोंग लगा के वहाँ से बच सकते हो, और जो है अगर आप क्या कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, बंदे ने मान लो आप लोगों को थोड़ी डैमेज दिया है तो आप लोगों के निकल के आप SP से EP से ASP तक कन्वर्ट कर देगा, जो ख्याल से दोनों भी अच्छा है। तो आप लोगों का डिसाइड है, मेरे ख्याल से आप उकोंग यूज़ करो, क्योंकि आप बंदे के सामने आसानी से बच सकते हो, तो आप लोग उकोंग यूज़ करो। मैं अभी बता दिया हूँ CS के लिए। तो अभी मैं बताता हूँ BR रैंक के लिए कौन सा कैरेक्टर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जी मैं बता रहा हूँ कौन सा कैरेक्टर आप लोगों का अच्छा रहेगा। तो CS के लिए आप लोगों को जो है मैं बताया हूँ, तो आप लोगों को वो दोनों कैरेक्टर रहना है, आप लोगों को सिर्फ एक्टिव वाला चेंज करना है CS के लिए। तो एक्टिव वाला चेंज करके आप लोग या फिर DJ आलोक लगा सकते हो या फिर क्या कैरेक्टर लगा सकते हो, क्योंकि DJ आलोक भी आप लोगों को जो है अच्छा खासा मतलब SP दे देगा आप लोगों को, 40 सेकेंड में 3 SP करके देगा पर सेकेंड में आप लोगों को, तो आप लोगों का 40 SP शायद इतना कुछ देगा। और अगर आप लोग जो है क्या कैरेक्टर लगा लेते हो तो 220 EP देगा, जो उसको कन्वर्ट करके आप लोगों को SP में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोगों को बताया हो, तो BR रैंक के लिए आप लोग ये जो है आप लोगों का एकदम यूज़ कर सकते हो, मक्खन जैसे चलेगा, मक्खन गेम का आप गेम खेल के भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अभी बताता हूँ BR रैंक के लिए आप लोगों के लिए कौन सा गन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा गन से आप लोग जो है बंदे को आसानी से मार सकते हो, कुछ भी दो लुटा सकते हो, एक स्क्वाड आप लोग आसानी से मार सकते हो, तो ही बताने वाला हो। तो देखो मैं सीधा चलता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जो BR रैंक पे है, जी BR रैंक पे आप लोगों कौन सा गन जो है यूज़ कर सकते हो, कौन सा गन लेके आप लॉन्ग रेंज के, मैं बात कर रहा हूँ अभी लॉन्ग रेंज के आप लोगों को कौन सा गन जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो लॉन्ग रेंज पे मैं सीधा बताता हूँ आप लोग जो है एक नंबर आप ग्रोजा यूज़ कर सकते हो, और जो है आप लोगों का वुड पिकर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वुड पिकर से बहुत सारे बंदे आप लोगों को पता है आप लोगों का अगर हेडशॉट लगते हैं तो वुड पिकर एकदम मक्खन जैसे चलता है, 64 या फिर 74 तक डैमेज दे देता है। तो आप लोगों जो है ग्रोजा या फिर आप लोगों जो है वुड पिकर यूज़ करो। तो लॉन्ग रेंज पे तो इतना बता दूंगा हूँ, और जो है आप लोगों शॉर्ट रेंज के लिए कौन सा गन यूज़ करोगे वही बता रहा हूँ। अगर आप लोग SMG यूज़ करना चाहते हो तो आप लोगों को जो है MP40 यूज़ करो। तो मैं सीधा बताता हूँ आप लोग शॉर्ट रेंज के लिए MP40 यूज़ करो, और जो है शॉर्ट रेंज के लिए शॉर्ट गन चलाना चाहते हो तो शॉर्ट गन के लिए आप लोग जो है MAC-7 यूज़ करो, क्योंकि जो है आप लोग एक स्कॉट आसानी से खलास कर सकते हो जो है MAC-7 से। तो एकदम क्योंकि मैं बताता हूँ सीधा उस पर गोली साथ है कितना लेता है, अभी अपडेट के बाद मैंने चलाया नहीं, मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ कितना गोली लेता है। तो उसका जो है आप लोगों का डैमेज जो है इंक्रीज कर दिया गया है MAC-7 का, MG7 का इसका जो है
डैमेज जो है इंक्रीज कर दिया गया है। तो आप लोग जो है इस पर गोली के रहता है, 8 गोली रहता है, क्योंकि अगर मान लो जैसे कि 2 बंदे आ रहे हैं तो 2 बंदे को आप 4-4 गोली मर के 2 बंदे को आसानी से ख़त्म कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग शॉटगन के लिए बियर रैंक पे शॉटगन के लिए आप जो है M-AG-7 यूज़ कर सकते हो, और जो है SMG के लिए MP40 यूज़ कर सकते हो, और जो है लॉन्ग रेंज के लिए आप लोग जो है लॉन्ग रेंज के लिए आप लोग ग्रोजा यूज़ कर सकते हो और वुड पिकर यूज़ कर सकते हो, और जो है आप लोगों का CS के लिए आप लोग जो है CS के लॉन्ग रेंज के लिए आप लोग जो है CS के लॉन्ग रेंज के लिए आप लोग जो इसका यूज़ कर सकते हो, और जो है आप लोगों का इसका यूज़ कर सकते हो और SKS यूज़ कर सकते हो, और शॉर्ट रेंज के लिए आप लोग जो है शॉर्ट रेंज के लिए MP5 यूज़ कर सकते हो और MAC-10 यूज़ कर सकते हो। और जो जैसे जैसे बताया आप लोगों को ऐसा ऐसा कर लेते हो तो आप लोग जो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग को 1 दिन या फिर 2 दिन में आप लोग जो है मास्टर या फिर गेम मास्टर लगा पाओगे। तो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।